नमस्ते, मैं हूँ लड़की, औरत, नारी, महिला, जस्ट अ वुमन, ऊपर से साधारण, आम। मेरी परेशानियां किसे दिखती थी? मेरा पैदा होना भी संघर्ष हुआ करता था। बड़ी हुई तो सवाल आया, स्कूल में टॉयलेट लगी तो कहाँ जाएगी? कभी चूल्हा फूंकती तो कभी बीमारी के वक्त हाथ फैलाती तो कभी अंधेरे कमरे में दिन रात रोशनी तलाशती एक औरत, यही थी मैं कुछ साल पहले। पर एक दिन मेरी जागती पलकों पर सोए पड़े सपने मुस्काए और बोले, अरे उठ रे और मुझे आजाद कर। हाँ, ये वही वक्त था जब मैंने टीवी पर देखा कि हमारे जैसे ही एक साधारण माँ का लड़का आज देश का प्रधानमंत्री बना है। उन्होंने मेरे हर संघर्ष को अपना संघर्ष समझा। उन्होंने मेरे लिए देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, स्कूल में अलग लड़कियों का टॉयलेट बनवाया। उन्होंने मेरे भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मेरे लिए बैंक में अलग सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया, मेरी माँ की रसोई से धुआं हटाया और गैस पहुँचाई। मुझे बिजनेस करने के लिए 10 लाख तक की लोन उन्होंने खुद पहुंचाई, वो भी बिना किसी गारंटी के। उन्होंने मेरे नाम पर पक्का घर दिया। मेरी गर्भावस्था के दिनों में मुझे 6,000 रुपए हर महीने दिए। मेरी मैटरनिटी लीव को 3 महीने से बढ़ाकर पूरे 6 महीने कर दिया। 70% तक सस्ती दवाइयां देने लगे। अब आगे तो हम बेटियां भारतीय सेना से भी जुड़ने जा रही हैं। मेरी बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं, जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूँ। नरेंद्र भाई जैसे प्रधानमंत्री हो तो हम बेटियों को उड़ने को आसमान भी कम है। थैंक यू मोदी जी।